Good morning to all my dear students. In the last class, I have started the new topic depression in freezing point. और depression in freezing point में मैंने आपको बताया था, पहले तो हम लोगों ने define किया था कि freezing point किसे बोलते हैं. तो freezing point का मतलब क्या होता था? Temperature at which solid and liquid phases are in equilibrium is known as freezing point. एक ऐसा पॉइंट है ना जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों किस में आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम में. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट. सब देखो, वाटर को रख देते हैं हम लोग फ्रिज के अंदर तो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो उस समय सॉलिड और लिक्विड फेज दोनों किस पे रहते हैं? इक्विलिब्रियम में. फिर हमने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन दूसरे तरीके से दी थी कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्वल हो जाए किसके? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के, तो उसको भी क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, है ना. दूसरा डेफिनेशन ये है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. और मैंने बताया था H2O सॉलिड और लिक्विड आपस में किस में आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. और आप देख सकते हैं अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. ठीक है ना. तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब हीट देना पड़ेगा, कुछ हीट देंगे तभी तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना. कोई सॉलिड अपने आप तो लिक्विड में जाएगा नहीं, कुछ हीट उसे देना पड़ेगा. तो ये जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग टेम्परेचर. इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीजिंग टेम्परेचर. हीटिंग करने पे क्या होता है? और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और कूलिंग करने पे लिक्विड वापस किस में जाएगा? सॉलिड में. तो ये सब बता दिया था मैंने आइडिया. और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा टॉपिक का नाम था, तो उसका भी मैंने रफ आइडिया दिया था. फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होने का मतलब क्या होना? कमी होना. जैसे अगर आइस हमारा नॉर्मल वाटर जो है और प्योर वाटर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है तो अगर आप उसके अंदर NaCl को ऐड कर देंगे तो अब क्या होगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो पहले से क्या हो जाएगा? कम. मतलब अब वो 0 से भी कम वैल्यू पे फ्रीज होगा. मतलब जो भी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का आंसर आएगा वो हमेशा 0 से क्या आएगा? छोटा. क्योंकि अगर वाटर 0 पे फ्रीज हो रहा है तो सॉल्यूशन हमारा 0 पे नहीं, 0 से कम वैल्यू पे फ्रीज होगा. जैसे सपोज करिए, मान लो कितना आ गया आपका? -4 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है. और उसका रीजन मैंने समझाया था क्यों होता है, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में किसके पार्टिकल आ जाते हैं? सोल्यूट के पार्टिकल्स. तो अगर सोल्यूट के पार्टिकल्स आ गए तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा दिए. और फ्रीज करने का मतलब क्या है? इन दोनों मॉलिक्यूल्स को पास में लाना. जब तक पास में आएंगे नहीं तब तक फ्रीज होगा नहीं. तो इसका मतलब इन दोनों को पास में लाने के लिए अब और कम टेम्परेचर करना पड़ेगा. मतलब जो चीज 0 पे हो रही थी अब वो सॉल्यूशन में 0 पे ना होके 0 से भी कम पे होगी. ज्यादा कम करेंगे टेम्परेचर तभी ये मॉलिक्यूल अब ज्यादा पास में आएंगे. ठीक है. तो ये मीनिंग समझा दिया था मैंने. और इसको हमने ग्राफिकल फॉर्म में भी समझा था, वो लॉजिकल तरीके से समझा दिया था मैंने आपको कि लॉजिकली कैसे आपको सोचना है कि कम हो जाता है. और ग्राफिकल फॉर्म में देखो तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ मैंने बताया था आपको कि सॉल्वेंट जो है हमारा, ये सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म है और ये सॉल्वेंट का कौन सा फॉर्म है? लिक्विड फॉर्म. और जैसे ही आप डालेंगे सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट के लिक्विड फॉर्म में ही डालेंगे, तो लिक्विड फॉर्म में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन. तो ये सॉल्यूशन का ग्राफ आता है. और यहां पे आप देखिए, इस पॉइंट पे अब इक्विलिब्रियम आ रहा है. मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इस पॉइंट पे. तो लिक्विड सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट किस पे है? इस समय इक्विलिब्रियम पे आ गए. और ये पॉइंट हमारे लिए क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. तो आई होप कि ये याद होगा आपको, है ना. तो TF ये हो गया और ये क्या हो गया? T0F. T0F क्या है हमारे लिए? ओरिजिनली जो दिया हुआ रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और जब सॉल्यूशन बन गया तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हो गया? पहले से कम. तो इसको हम लोग TF बोलेंगे, TF से डिनोट करेंगे. और इसका नाम क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो हमेशा क्या रहेगी प्रॉब्लम में? गिवेन होगी. ठीक है. और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे. तो और ये मैंने बता दिया, TF की वैल्यू हमेशा T0F से क्या होगी? कम. आप देख सकते हैं TF जो आ रहा है, TF वो T0F से क्या आ रहा है? पीछे आ रहा है. और ये जो कमी हो गई इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे? डेल्टा TF से. और डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा? T0F माइनस TF. जो प्योर फॉर्म में था उसमें से TF को क्या कर देना है? माइनस. तो ये ग्राफिकल फॉर्म में हमने समझा था. दिस इज सिमिलर टू द, है ना, इट इज द मिरर इमेज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. देखो जैसे इसमें हमने सेम वही काम किया था, सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन था, ये थोड़ा सा बढ़ गया था तो उसको TB माइनस T0B लिखे थे. यहाँ पे बढ़ जाता है थोड़ा सा, सॉल्यूशन बनने के बाद देखो बढ़ जाता है ना, T0B से TB. यहाँ पे क्या हो गया? उल्टा कम हो गया. तो इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और इसको क्या बोलते थे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. उसके बाद अगर याद हो तो इसे हमने थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्म में भी समझा था. हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
तो वहां पे क्या क्या होता था, एंट्रोपी ऑफ वेपर होता था, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन होता था, एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट होता था। यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट तो यहाँ भी रहेगा, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन यहाँ भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ वेपर नहीं आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट के केस में वेपर नहीं आके क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता था, लिक्विड को वेपर में भेजना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड को वापिस सॉलिड में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा। तो इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इसको हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से, जैसे ये ग्राफ बनाए थे ना सिमिलर, इसी पैटर्न का हम लोग इस केस में भी समझेंगे, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मीनिंग है, किस तरीके से होता है। तो जैसे डेल्टा एस वेपराइजेशन यहाँ निकालते थे, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, डेल्टा एस फ्यूजन, और फ्यूजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर। और वहां पे, यहाँ पे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता था, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो बस मैं जस्ट आपको समझा देता हूँ क्या चीज है। तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इसको समझ लेते हैं, तो मैं इसी पेज पे कर देता हूँ इसे, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। चलिए देखो, तो इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको समझ लेते हैं। तो सिमिलर वे में इसी पैटर्न पे हम लोग लेते हैं, जैसे इस टॉपिक को हमने डील किया था ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिमिलर इसी पैटर्न पे मैं इसे भी डील करता हूँ। हेडिंग हम लोग डाल देते हैं एलिवेशन इन, एलिवेशन नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे हमारा हेडिंग रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में जरा सा समझते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या मीनिंग है, थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में डिप्रेशन होने का क्या मतलब होगा, किस तरीके से बोलेंगे कि डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो देखिए, अब उसमें हम लोगों को अगर बॉइलिंग पॉइंट का भी मैं रिलेट कराते हुए चलूं, वेपर था, सॉल्यूशन था, सॉल्वेंट था, यहाँ पे क्या क्या होगा, देखो यहाँ पे सॉल्वेंट तो होगा ही होगा, एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट होगा, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि सॉल्यूशन भी बन रहा है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने के बाद क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। वहां पे एंट्रोपी ऑफ वेपर हो रहा था, यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ किसका होने लगेगा, सॉलिड का, यहाँ पे एंट्रोपी किसकी आएगी, सॉलिड की, क्योंकि एक तीसरी चीज क्या बन चुकी है हमारे लिए, सॉलिड की। और एस का मीनिंग मैंने बताया था आपको, एस का मतलब क्या हमारे लिए, एंट्रोपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडमनेस। एंट्रोपी मतलब कितना रैंडमनेस है। और इसका अगर ग्राफ याद हो, अगर ग्राफिकल फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट करके बताऊं किस तरीके से समझ रहे हैं हम लोग कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, तो ये हमारे लिए अगर एंट्रोपी की एक्सिस है, सपोज करिए, और मैंने आपको तीन लाइनें खींच के दे दी, तीन लाइनें, तो कौन सी लाइन किसे बताएगी, बता सकते हैं क्या, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, सॉल्यूट, सॉलिड की, सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन की, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, सॉल्यूशन के अंदर होगी, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ चुके होंगे, तो दिस विल बी लाइन फॉर एस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए। सॉलिड की तो एंट्रोपी सबसे कम होगी, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स अरेंज रहेंगे एक दूसरे के पास पास में रहेंगे, और सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट भी तो क्या है, लिक्विड है ना, तो लिक्विड का, और अगर उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया तो और ज्यादा एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो सॉल्यूशन की सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और इससे अगर मैं पूछूं इस गैप को क्या बोलेंगे, यहां से यहां जो होगा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एस सॉल्वेंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेल्टा एस सॉल्वेंट। और सॉलिड से डायरेक्ट सॉल्यूशन में जाना, सॉलिड से डायरेक्ट किस में जाना, सॉल्यूशन में, अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन में जाओगे तो इसको आप क्या बोलोगे, डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन। ये सिमिलर इसी के हैं जैसा हमने बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था, सेम उसी पैटर्न में समझा रहा हूँ, जैसे ये मीनिंग होता था एंट्रोपी चेंज का, सेम वही चीज यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, बस कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये सॉलिड से सॉल्वेंट में जाना डेल्टा एस सॉल्वेंट कहलाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सॉल्यूशन से सॉलिड के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा एस सॉल्यूशन। अब जैसे डेल्टा एच वेपराइजेशन का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर कौन सा लेते थे, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, यहां पे हम लोग निकालेंगे डेल्टा एस फ्यूजन, वहां पे चूंकि वेपर में कन्वर्ट करते थे तो वेपराइजेशन निकालते थे, यहां पे क्या निकालेंगे, डेल्टा एस फ्यूजन। और डेल्टा एस फ्यूजन किसके बराबर होगा हमारे लिए, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। और यहां पे बेटा टेम्परेचर कौन सा लोगे, यहां पे टेम्परेचर हमें लेना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें हम लोग क्या लेते थे, बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर लिया जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। और डेल्टा एच फ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूजन होने का मतलब कि वन मोल लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, तो
तो डेल्टा एच फ्यूजन तो दोनों के लिए सेम होगा, डेल्टा एच फ्यूजन चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। चाहे सॉल्वेंट को सॉलिड में कन्वर्ट करो चाहे सॉल्यूशन को सॉलिड में कन्वर्ट करो, डेल्टा एच फ्यूजन दोनों के लिए क्या होने वाला है, सेम। क्योंकि सॉल्वेंट से सॉलिड में कन्वर्ट होने का मतलब सॉल्वेंट को प्योर सॉलिड में भेज रहे हो, और सॉल्यूशन से भी सॉलिड में जो भेजोगे तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ही तो सॉलिड में फ्रीज होगा ना, तो डेल्टा एच फ्यूजन दोनों के लिए क्या होने वाला है, सेम, ठीक है, दोनों के लिए। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि डेल्टा एच फ्यूजन इज सेम फॉर बोथ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, दोनों के लिए डेल्टा एच फ्यूजन क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज बिकॉज फ्रॉम सॉल्यूशन ओनली सॉल्वेंट विल फ्रीज, सॉल्वेंट ही तो फ्रीज होने वाला है ना, उसी को फ्रीज करोगे आप, तो डेल्टा एच फ्यूजन दोनों केस में क्या होने वाला है, सेम होने वाला है अपने लिए। तो अगर मैं अब यहां से पूछूं आपसे कि डेल्टा एस सॉल्यूशन बताइए किसके बराबर होगा, तो डेल्टा एस सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, डेल्टा एच फ्यूजन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कौन सा टेम्परेचर लोगे, डेल्टा एस सॉल्यूशन निकालना है तो डेल्टा एस सॉल्यूशन के लिए आपको कौन सा टेम्परेचर लोगे, आप सॉलिड सॉल्यूशन से सॉलिड में जाना चाहते हैं तो नीचे कौन सा टेम्परेचर लोगे, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीएफ से, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर हमने मैंने ये पूछ लिया आपसे डेल्टा एस सॉल्वेंट का बताओ कितना होगा, ये वाला डेल्टा एस, तो उसके लिए भी डेल्टा एस फ्यूजन तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। और नीचे आप यहाँ पे टीएफ लेते हैं, यहाँ पे आप सॉल्वेंट को फ्रिज कराना है, तो सॉल्वेंट को सॉल्वेंट से सॉलिड में जाना है, तो ये कितने टेम्परेचर पे, ये देखो ये टी नॉट टेप पे फ्रिज होगा ना, और सॉल्यूशन को डायरेक्ट सॉलिड में भेजोगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करें हम लोग, टीएफ से, तो यहाँ पे नीचे क्या ले लोगे, टी नॉट एफ। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो क्या दिख रहा है, डेल्टा एस सॉल्यूशन की वैल्यू सॉल्वेंट से क्या है, ज्यादा, तो डेल्टा एस सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन की सॉल्वेंट से क्या एंट्रोपी ज्यादा, तो और डेल्टा एच फ्यूजन तो दोनों के लिए सेम है, सिंस डेल्टा एच फ्यूजन इज सेम, ये वैल्यू क्या है, दोनों के लिए सेम है। अब सॉल्यूशन की एंट्रोपी ये वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, छोटी, ये देखो ये ऊपर की दोनों वैल्यू सेम है, और डेल्टा एस सॉल्यूशन जो है ये इन्वर्सली दिख रहा है ना टेम्परेचर के, ये तो हमें दिख ही रहा है, डेल्टा एस फ्यूजन जो है इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर के, तो अगर सॉल्यूशन की एंट्रोपी ज्यादा है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम, मतलब टी एफ विल बी लेस देन किससे होगा, टी नॉट एफ से, टी एफ विल बी लेस देन टी नॉट एफ। तो इसको थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में भी हम समझ सकते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है ना, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। डेल्टा एच दोनों में सेम था तो डेल्टा एच सॉल्यूशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये वैल्यू छोटी होगी, और ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहां से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से भी समझ सकते हैं, दिस इज जस्ट सिमिलर टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे मैंने आपको समझाया था, बस वहां पे वेपराइजेशन आता था, यहाँ पे हमारा फ्यूजन आ गया, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एच वेपराइजेशन था, यहाँ पे डेल्टा एच फ्यूजन, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, सेम टू सेम वही पैटर्न फॉलो करना है और कुछ नहीं किया है बस मैंने। तो ये हम थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में भी इसे हम लोग समझ चुके, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पार्ट पे मैं, अब जो फॉर्मूला इसका आता है ना हमारे लिए, ये जो फॉर्मूला निकाले थे कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी के होता है, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोलालिटी के, तो बस डेल्टा टी बी बराबर आई के बी इंटू एम आता था, तो इसमें आएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। तो नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ। चलो तो बेटा वही मैं कह रहा था, सेम टू सेम ये पूरा का पूरा क्या है, इस टॉपिक का मिरर इमेज है हमारा, है ना, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़े हैं ना, इसका पूरा का पूरा ये क्या होता है, मिरर इमेज, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस यहाँ पे बस टीबी है, आई के बी इंटू एम है ना, तो टीबी की जगह पे टीएफ हो जाएगा, केबी की जगह पे क्या हो जाएगा, केएफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं वही चीज लिख रहा हूँ, है ना, कि हमारा जो डेल्टा टीएफ होगा, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, तो जो डेल्टा टीएफ होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू किसके, मोलालिटी, मोलालिटी के, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोलालिटी के, और अगर ये मोलालिटी के प्रोपोर्शनल है तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है ना। आई हमने क्या लो लिया, वन टाइम फैक्टर को हमने अंडर ले लिया इसके,
कि वन टफ फैक्टर अगर नहीं है, वन हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं रहेगा जो जो भी वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट भी आया होगा, और वो कांस्टेंट कौन सा है, के एफ। कांस्टेंट कौन सा है, के एफ, जैसे है ना, समझ रहे हैं ना। सिंस ऑल कोलिगेटिव प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, तो डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी लिखा था, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी के, तो डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम, प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या डाल दिया, के एफ। तो यहाँ पे जैसे के बी इंटू एम किया था, और मोलालिटी को हम लोग लिखते थे मोल्स अपॉन मास लिखते थे ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स को मैंने बताया, तो वन टफ फैक्टर को कंसिडर करोगे तो आई आ जाता है, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू एम। जस्ट इसका मिरर इमेज है, यहाँ पे डेल्टा टी बी होता है, यहाँ पे डेल्टा टी एफ हो जाता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस आप देख सकते हैं सेम टू सेम फॉर्मूला आता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो यहाँ पे क्या क्या मीनिंग है, डेल्टा टी एफ का मतलब क्या है हमारे लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डेल्टा टी एफ का मतलब है। एम का मतलब तो क्या हमारे लिए, मोलालिटी है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्यों सॉल्यूशन की कितनी मोलालिटी होगी, ठीक है। और आई का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या हमारे लिए, वांट ऑफ फैक्टर, आई मतलब क्या हमारे लिए, वांट ऑफ फैक्टर है, ये आई जो है वांट ऑफ फैक्टर है अपने पास। और क्या चीज बच गई है, के बी बच गया ना, तो अब के बी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि के बी क्या है, के बी कह रहा हूँ, के एफ बच गया ना, तो के एफ को क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे के एफ क्या होता था, के बी यहाँ पे डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी इंटू एम आता था, तो के बी को क्या लिखते थे, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट या इवलोस्कोपी कॉन्स्टेंट, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। जस्ट इसके सिमिलर इमेज है, कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर जैसे इसमें केबी के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे, केएफ के बारे में। तो आप पिछले वाले टॉपिक को अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ढंग से समझे तो इसको समझने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ, वेयर केएफ, केएफ को क्या बोलेंगे, वेयर केएफ इज ए कॉन्स्टेंट, केएफ इज ए कॉन्स्टेंट, केएफ क्या है, कॉन्स्टेंट है, केएफ इज ए कॉन्स्टेंट फॉर सॉल्वेंट, क्योंकि फ्रिज कौन सी चीज होगी, सॉल्वेंट ही होगी ना, तो के एफ इज ए कॉन्स्टेंट फॉर सॉल्वेंट नोन एच, नोन एच, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलल, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, नोन एच मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, या इसको हम लोग क्रायो, सी आर वाई ओ, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी बुलाते हैं इसे, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, इसको क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी बुलाया जाता है, के एफ क्या है, कॉन्स्टेंट है, किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और इसको बोला क्या जाता है, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी बोला जाता है। तो सब आप लिंक करते हुए चलेंगे बेटा, तो सब आएगा समझ में कि क्या चीज हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। केबी को क्या बोलते थे, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और इवलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, और केएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। और उसके बाद हमने केबी का क्या क्या पढ़ा था, कि केबी की डेफिनेशन क्या है, उसकी यूनिट क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे केबी पढ़ा था, और यहाँ पे क्या बस देखेंगे, केएफ की देखेंगे कि केएफ की डेफिनेशन क्या है, केएफ की यूनिट क्या है, केएफ की वैल्यू क्या है। तो सब चीजें सेम है, कुछ डिफरेंस होने वाला नहीं है, यूनिट तो दोनों का सेम ही आने वाला है, ठीक है। डेफिनेशन में यहाँ पे क्या बोलते थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, केएफ, केएफ के बारे में क्या बोल देंगे, केएफ क्या हो जाएगा, मोलालिटी अगर वन लोगे तो इसे बोलेंगे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सॉल्यूशन, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सॉल्यूशन, यूनिट सेम आएगा। वैल्यू की बात करूं अगर, तो केबी का फॉर्मूला क्या था, आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, केएफ इज इक्वल टू आर टी नॉट बी, टी नॉट बी क्या था हमारे लिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे टी नॉट बी की जगह पे क्या आ जाएगा, टी नॉट एफ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा एच वेपराइजेशन यहाँ पे आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन। बस सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस दोनों के अंदर नहीं है। अगर ये चीज हमने ढंग से पढ़ ली है तो इसमें हमें कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो चलो, तो अब बस मैं केबी के बारे में सारी बात कर लेता हूँ फटाफट, क्योंकि पिछले से लिंक है तो आपको ये चीजें फटाफट समझ में आ जानी चाहिए कि क्या क्या मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसको डेफिनेशन की,
डेफिनेशन मतलब हम लोग बात अब किसके बारे में कर रहे हैं, केएफ के बारे में, कि केएफ है क्या, किस तरीके से केएफ के बारे में बात करें। तो केएफ की डेफिनेशन की बात करो, सबसे पहले डिफाइन करें केएफ क्या है। तो कैसे डिफाइन करूंगा, आई की जगह पे वन रख दूं, अगर मैं आई की वैल्यू वन रख दूं, ठीक है, और मोलालिटी की वैल्यू भी कितनी ले लेता हूं, वन। तो अगर आई वन ले लिया, मोलालिटी एम ले लिया, तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर आ जाएगा, केएफ के बराबर आ जाएगा। डेल्टा टी एफ किसके बराबर, केएफ के बराबर। तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, हेंस केएफ एच डिफाइंड एच, केएफ एच डिफाइंड एच डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सॉल्यूशन। तो केएफ को कैसे डिफाइन करेंगे, केएफ इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सॉल्यूशन। वन मोलल सॉल्यूशन को, वन मोलल सॉल्यूशन में जो भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी एफ, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, केएफ बोलते हैं। मोलालिटी वन ले लिया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वन मोलल सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात हो गई इसकी डेफिनेशन की। सेकेंड बात करें हम लोग तो क्या देखेंगे, इसकी यूनिट देखते हैं कि यूनिट क्या होगा इसका। तो यूनिट तो बेटा सेम ही होने वाला है, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। क्या फॉर्मूला है अपने पास, फॉर्मूला तो ये है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, क्योंकि आई तो यूनिटलेस है। मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, मोलालिटी की यूनिट होती है हमारे पास, मोलालिटी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मोल पर केजी ना, मोल अपॉन केजी, तो मोल पर केजी। और डेल्टा टी एफ की यूनिट क्या होती है, या तो डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो के एफ का यूनिट क्या हो जाएगा, के एफ की यूनिट हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, और इनको डिवाइड करोगे तो इसका यूनिट क्या निकल के आएगा, तो यूनिट ऑफ के एफ सेम आएगा जैसे के बी का यूनिट आ रहा था ना। तो यूनिट ऑफ के एफ क्या आ जाएगा हमारे लिए, अगर मान लो इसको केल्विन में ले लिया, तो केल्विन और मोल पर के जी डिवाइड होगा, तो के जी ऊपर चला जाएगा ना, तो केल्विन के जी पर मोल। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन के जी पर मोल, या अगर डिग्री सेंटीग्रेड में किसी ने ले लिया तो क्या आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में ले लोगे तो डिग्री सेंटीग्रेड के जी पर मोल, तो ये इसकी यूनिट हो जाती है, ठीक है। जनरली यूज जो होगी वो कौन सी होगी, केल्विन के जी पर मोल वाली। तो सेम वही यूनिट जैसे यहाँ पे देखो, है ना, लिंक करो इसे तो आ जाएगा आपको समझ में। यूनिट ऑफ के भी कैसे निकाला था, यूनिट ऑफ डेल्टा टी बी अपॉन यूनिट ऑफ दिस, तो क्या आया था, केल्विन के जी पर मोल और डिग्री सेंटीग्रेड के जी पर मोल। यहाँ भी क्या आ रहा है यूनिट हमारा, यहाँ भी तो वही यूनिट आ रही है ना, यूनिट क्या आ रही है, केल्विन के जी पर मोल या डिग्री सेंटीग्रेड के जी पर मोल। तो के एफ और के बी दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। और वैल्यू की बात करूँ तो वैल्यू में क्या बोला था, के बी एक कॉन्स्टेंट है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन होनी चाहिए, और इसको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होता है, और इसको कैलकुलेट करने का यह फॉर्मूला था। तो सेम यहाँ भी वैल्यू की बात करूँ अगर मैं के एफ की, तो के एफ की वैल्यू में भी मैं यही सब चीजें लिखूंगा, यही बातें वहां भी लिखी जाएगी। के एफ एक कॉन्स्टेंट है हुज न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट और इट इज कैलकुलेटेड एज, वहां पे बस के बी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे के एफ हो जाएगा, के एफ, और के एफ में क्या हो जाएगा, टी नॉट बी था तो टी नॉट एफ हो जाएगा। डेल्टा एच वेपराइजेशन की जगह पे यहाँ पे सॉलिड को, यहाँ पे लिक्विड को वेपर में भेजते थे, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट की बात है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है, तो लिक्विड किस में जाएगा, सॉलिड में। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन की जगह पे क्या जाएगा, बस डेल्टा एच फ्यूजन। तो थर्ड बात कर लेते हैं वैल्यू की भी। तो देखो बेटा सब सिमिलर है उसी के, है ना, जस्ट मिरर इमेज है। अगर आपने पीछे वाला समझ लिया है तो इसे समझने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो वैल्यू की बात करूं अगर मैं, तो वैल्यू में क्या बोलूंगा, वैल्यू में ये कहूंगा के एफ इज ए कॉन्स्टेंट, के एफ इज ए कॉन्स्टेंट, के एफ इज ए कॉन्स्टेंट हुज न्यूमेरिकल वैल्यू, हुज न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवेन इन प्रॉब्लम, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या रहती है, गिवेन, हुज न्यूमेरिकल वैल्यू विल गिवेन इन प्रॉब्लम, हुज न्यूमेरिकल वैल्यू विल गिवेन इन प्रॉब्लम, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग, जैसे वाटर के लिए अलग वैल्यू आएगी, है ना, हमारा एल्कोहल के लिए अलग आएगी। तो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट एंड इट इज कैलकुलेटेड एज, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे,
तो सेम वही फॉर्मूला है जैसे उसमें फॉर्मूला था ना, सेम टू सेम वही फॉर्मूला इसमें भी है। इट इज कैलकुलेटेड एज के एफ इज इक्वल टू, एक बार दिखा दूं आपको, केवी का फॉर्मूला क्या आया, के बी इज इक्वल टू आर टी नॉट बी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एफ इज इक्वल टू आर इंटू, वहाँ टी नॉट बी था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी नॉट एफ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का स्क्वायर इंटू क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई कितना 1000 इंटू, वहाँ पे डेल्टा एच वेपराइजेशन था, यहाँ पे डेल्टा एच क्या आ जाएगा फ्यूजन। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है बेटा। तो जस्ट सिमिलर टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये, तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सेम टू सेम उसी का मिरर इमेज होता है, बस थोड़ा थोड़ी चीज़ें क्या है चेंज करनी है हमें। तो ये के एफ का हमारे लिए फॉर्मूला बन गया, आर इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। आर का मतलब क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। टी नॉट एफ का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एम सॉल्वेंट मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। 1000 तो कॉन्स्टेंट है। डेल्टा एच फ्यूजन का मतलब क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। तो सेम टू सेम यही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, तो मैं इसमें और कुछ नहीं अब करने जा रहा हूँ। जैसे इसमें आर का निकाला था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डेल्टा टी भी बॉइलिंग पॉइंट बनता था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बन रहा था, सेम वही यहाँ भी बातें हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये सब बताया था, है ना, देखो एक बार ये बताया था आपको कि डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या बनता था, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पे चूंकि डेल्टा एच क्या है, फ्यूजन, तो ये हो जाएगा मोलर हीट ऑफ, ये वेपराइजेशन होता था, तो ये मोलर हीट ऑफ क्या हो जाएगा, फ्यूजन। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज वन मोल, हीट रिक्वायर्ड टू फ्यूज वन मोल ऑफ सॉल्वेंट, एक मोल सॉल्वेंट को फ्रिज करने के लिए जो लगेगा। और एल वेपराइजेशन होता था, है ना, उसी तरीके से। और डिपेंड करता था आर की वैल्यू जूल है कि कैलोरी है। तो सेम यहाँ भी सब चीज़ें वही हैं, कुछ डिफरेंस दोनों में नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करवाया था कि के बी ऑफ वाटर कैलकुलेट करिए, अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया था तो के बी ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट कर लिया था ना। आर की वैल्यू फिक्स्ड है ना, आर की वैल्यू डिपेंड करेगी जूल में ले रहे हैं कि कैलोरी में डेल्टा एच की वैल्यू को। तो यहाँ डेल्टा एच आप जूल में लोगे कि कैलोरी में, उस पर आर की वैल्यू डिपेंड करेगी। और ये जैसे आया था हमारे पास कितना, टी नॉट भी तो फिक्स है वाटर का कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 373 केल्विन। तो यहाँ पे टी नॉट एफ भी वाटर का फिक्स है, मैंने बता दिया था। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर देखो कितना बताया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी फिक्स है। तो टी नॉट एफ आप कितना ले लोगे, अगर वाटर के लिए मैं कैलकुलेट करवाऊँ, कैलकुलेट के एफ ऑफ वाटर, मान लो इस पे बोल रहा हूँ वाटर का के एफ कैलकुलेट करिए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो वाटर का कितना होता है 80 कैलोरी, तो आप यहाँ पे अगर 80 कैलोरी के हिसाब से ले लो, यहाँ पे 80 डाल दो, ठीक है। टी नॉट एफ की जगह पे कितना डाल दो, 273। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे कितना डाल दो, 18। तो यहाँ से क्या के एफ की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, के एफ ऑफ वाटर। तो जो वाटर के लिए के एफ कैलकुलेट होता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसे, है ना, कि के एफ ऑफ वाटर हमें जो कैलकुलेट करेंगे, ये एक कांस्टेंट है जो कि प्रॉब्लम में क्या रहता है, गिवन। पर वाटर के लिए मैं बता देता हूँ, वाटर का ध्यान ही रखना, क्योंकि कोई सॉल्वेंट नहीं दिया है तो हमेशा कौन सी चीज़ होगी, वाटर। तो के एफ ऑफ वाटर जो होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है। तो ये के एफ की वैल्यू याद रखिएगा, किसके लिए, वाटर के लिए। जनरली ये प्रॉब्लम में हमेशा क्या रहेगा, गिवन। तो के एफ ऑफ वाटर कितना होता है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट तो पूरा बता दिया इसका, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया है, क्या करना है आपको। सेम टू सेम यही फॉर्मूला है जो हमारा इसमें फॉर्मूला आता है, सेम सारी चीजें वही हैं, सेम टू सेम, है ना। और के बी ऑफ वाटर जैसे यहाँ कैलकुलेट किया था, के एफ ऑफ वाटर पूछ ले तो 1.86 केल्विन केजी पर मोल निकल के आएगा। टी नॉट एफ की वैल्यू वाटर के लिए कितनी होती है, वाटर का टी नॉट एफ कितना होता है, टी नॉट एफ वाटर मतलब व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको कितना लिख सकते हैं, 273 केल्विन। समझ गया बात को। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पता ही है, डेल्टा एच फ्यूजन जो वाटर की बात करोगे तो कितना आ जाता है, हमने मैंने सब डेटा लिखवा के दे दिया था आपको, अगर ध्यान है तो, कि मेल्टिंग पॉइंट कितना लेना है 0, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का पूरा हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से लगाए जाएंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ। चलो तो बेटा इतना तो समझ में आ गया है, पूरा का पूरा क्या है इसका मिरर इमेज है, हर चीजें सेम टू सेम वही निकल के आई है। क्या 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 सब सेम है, जैसे डेल्टा टी एफ की बात करो तो डेल्टा टी एफ कैसे निकलेगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ से, ठीक है। और अगर हमसे डेल्टा टी एफ का दूसरा फॉर्मूला पूछ ले तो क्या निकल के आया अपने पास, आई इंटू के एफ इंटू एम मोलालिटी वाला, ठीक है। और अगर के एफ कभी किसी क्वेश्चन में कह दिया तो के एफ का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तो पूरा का पूरा जस्ट इट इज द मिरर इमेज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इन तीन फॉर्मूले से चलाया था, डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, और के बी का यह फॉर्मूला। तो यहाँ भी यही तीन फॉर्मूले हैं सेम, बस यहाँ पे डेल्टा टी एफ हो जाएगा, तो यहाँ टी बी माइनस टी नॉट बी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ हो जाता है ना, क्योंकि डिप्रेशन हो रहा है। और डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम, और के एफ का फॉर्मूला यहाँ टी नॉट बी की जगह पे टी नॉट एफ आ जाएगा, यहाँ वेपराइजेशन की जगह पे बस क्या आ जाएगा फ्यूजन। तो इन तीनों फॉर्मूलों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और हम लोग इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस छोटे छोटे से टॉपिक से बिल्कुल, तो कौन कौन से तीन फॉर्मूले हमें सीखे, हमने एक तो हमने सीखा डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर होता है, डेल्टा टी एफ का मतलब क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का होने का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ी सी क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। तो डेल्टा टी एफ जो आएगा इट विल बी इक्वल टू टी नॉट एफ मतलब प्योर कितना था, और माइनस टी एफ मतलब सॉल्यूशन का कितना है। तो ये पहला फॉर्मूला ये लगाना है, ठीक है। और इस फॉर्मूले में डेल्टा टी एफ का मतलब क्या, अगर हमसे पूछा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताइए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम लोग लगाएंगे डेल्टा टी एफ, ठीक है। अगर हमसे ये टी नॉट एफ का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जैसे वाटर की बात करूं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और टी एफ का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का। कॉमनली क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ही पूछेगा। तो मुझे बताओ आंसर जो आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है ना, वो क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। वाटर की बात करूं तो वाटर का मेन फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 0 से क्या आएगा, थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्योंकि डिप्रेशन हो गया है। दूसरा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाने लगा सकते हैं हम लोग, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। आई तो वन टाइम फैक्टर है, और आई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने बताया है। आई कैसे निकालोगे, आई इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा, ठीक है। एन क्या है, कितने उसके आयंस में टूट सकता है वो एन बताता है, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर नहीं दिया हो तो अल्फा को 1 ले लोगे, तो 1 लेते ही आई किसके बराबर हो जाता है, डायरेक्ट एन के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर कभी किसी क्वेश्चन में के एफ पूछ लिया तो के एफ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, आर इंटू टी नॉट एफ का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच, वेपराइजेशन होता था उसमें, इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो केवल ये तीन फॉर्मूले हैं, जिसमें से मैंने बता दिया लास्ट वाले फॉर्मूले की 1% चांस है कि कहीं जरूरत पड़ेगी, नहीं तो सारे सवाल इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर लगेंगे। तो इट इज जस्ट सिमिलर टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के तीन फॉर्मूले से सिमिलरिटी शो कर रहा है, आप देख सकते हैं ना, तीनों एक दूसरे के सिमिलर ही हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस अब क्वेश्चंस में, जैसे इनमें प्रॉब्लम्स में क्या होता था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अब इसमें क्या पूछेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालिए विच इज ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो सेम यही सवाल मैं करवा सकता हूं, बस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वर्ड की जगह पे क्या लिख सकता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो भी आपको काम तो यही करना है, डेल्टा टी एफ निकालना है, आई इंटू के एफ इंटू एम, के एफ की वैल्यू बस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी वाटर के लिए। जैसे के बी वाटर का 0.52 था, और के एफ ऑफ वाटर कितना होता है, 1.86 जो अभी मैंने बताया, तो बस चेंज हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू बदल जाएगी तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो सेम टू सेम यही सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इवन मैं यही प्रॉब्लम करवा सकता हूँ आपको सेम टू सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो चलो इसी प्रॉब्लम को हम लोग कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था,
जो प्रॉब्लम किया था ना, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। आज मैं इसी सवाल को करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसे करवा देता हूँ बस इसे। ठीक है, तो देखो सेम वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो लास्ट क्लास में हमने फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए किया था। तो कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेंड बाय डिजॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बेटा कुछ अलग नहीं है, ये सेम क्वेश्चन करवाया मैंने, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। आज मैंने बस इसी सवाल में, सेम इसी प्रॉब्लम में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, है ना, आज मैंने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ लिया विच इज ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग। तो सेम मैं कह रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन हमने बॉइलिंग पॉइंट में किए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे बस केवल क्या आ जाया करेगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाया करेगा। और क्वेश्चन में एक चीज तो हमेशा गिवन रहेगी, मैंने बता दिया के एफ की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, गिवन। तो हमें दिया है गिवन के एफ ऑफ वाटर, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसकी वैल्यू हमें दी है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो के एफ ऑफ वाटर हमें गिवन है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे लिए, तो हम लोग वाटर से ही डील करने वाले हैं, वाटर। तो वाटर का हमें सब डेटा मालूम ही होना चाहिए। तो वाटर का टी नॉट एफ बताओ पहले कितना होगा, टी नॉट एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग चाहें तो 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा। तो अगर सॉल्यूशन में डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन होने का मतलब है कि वो वैल्यू जीरो से क्या आनी चाहिए, छोटी। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो आने वाला है वो जीरो से क्या आएगा, छोटा आएगा। तो देखो टी नॉट एफ कितना हो गया, 273 केल्विन, है ना, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहाँ सोल्यूट की बात करो तो सोल्यूट फिर से हमारे लिए कौन सी चीज़ है, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब ये डब्ल्यू बी गिवेन है और ये इतने वाटर में डाला जा रहा है, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए गिवेन है। बी मतलब सोल्यूट के लिए, ए मतलब सॉल्वेंट के लिए बताया था। तो सोल्यूट हमारे लिए क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का आई हमें पता है कितना होगा, 1, क्योंकि ना ग्लूकोज ना इधर गोज फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आई की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो बस सब सिंपल तरीके से क्या करना है बेटा, फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू के एफ इंटू एम, यही तीन फॉर्मूले हैं अपने पास, इनके अलावा कुछ नहीं है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, तो आई की जगह पे कितना रख दोगे, 1। के एफ की वैल्यू प्रॉब्लम में हमेशा गिवेन होगी, कितनी, 1.86 दिया है। मोलालिटी की जगह पे क्या लेंगे, मोलालिटी कैसे निकालते हो, मोलालिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, यही लगाते हैं ना फॉर्मूला। तो देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट एन बी, मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं ना। तो बस सॉल्व कर लो, हो जाएगा ये बेटा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 1.86। हर क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, इसमें कुछ नया चीज नहीं है। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी कितना दिया है, 90 डिवाइडेड बाई कितना, एम बी मतलब कितना, 180 होता है, नहीं यूरिया ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का 180 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 200 ग्राम। तो इसको के जी में करोगे तो क्या कर दोगे, 1000 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1/2, और नीचे से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। तो आगे क्या होगा, इक्वल्स कितना आ जाएगा बताओ, 1.86 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसको 2 से अगर डिवाइड करो 1.86 को, तो 2 से डिवाइड करने पे कितना मिलेगा आपको, 2 से कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.93 हो जाएगा ना, 0.93। ठीक है, 0.93 का डबल करो, 186, तो 1.86 इंटू कितना, 5, और ये मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 5 से 46, तो 4.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4.65। तो ये कितना आ गया, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई हमारे लिए कितना, 4.65।
लेकिन हमसे तो डेल्टा टी एफ नहीं पूछा, हमसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या करूंगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो मुझसे तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, टी एफ निकालना है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या करना है बताओ, डेल्टा टी एफ की जगह पे रख दिया जाए 4.65 इज इक्वल टू टी नॉट एफ की जगह पे। अब देखो आपको डिपेंड करता है आंसर आप किस में लेना चाहते हो, है ना। यस, पहले ये कर देता हूँ, मेरे को टी एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो टी एफ को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ, टी एफ को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। अब आंसर जिसमें भी आप लेना चाहो, अगर है ना टी नॉट एफ की वैल्यू कितनी ले लोगे, अगर मान लो हमने जीरो लिया, डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर चाहते हैं, तो टी नॉट एफ जीरो ले लेंगे और माइनस, ये माइनस 4.65 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 4.65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आंसर पूछेगा तो कितना आता, माइनस 4.65 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर केल्विन में पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये टी एफ हमने डिग्री सेंटीग्रेड में ले लिया, और केल्विन में अगर लेना होगा तो केल्विन में इसकी जगह कितना आ जाएगा, 273 केल्विन होता है, तो 273 माइनस ये कितना 4.65। देखो डेल्टा टी एफ जो आता है ना, ये डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है या केल्विन भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में कोई पूछे या केल्विन में पूछे, दोनों में क्या रहना है, सेम ही रहना है। तो ये इतना डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर निकालना है तो ये हो जाएगा, और केल्विन में अगर निकालना है तो इसको 273 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो 273 में से माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 273 में से जाएगा, तो 273 में से 5 माइनस कर दो तो 268 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये 268 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 65 है ना, तो 35 हो जाएगा केल्विन। तो ये इसका आंसर हो गया, समझे गया बेटा। तो डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर पूछेगा तो ये है, केल्विन में आंसर पूछेगा तो हमारे लिए ये है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकता है हमारे पास, जैसे दिस इज सिमिलर टू दिस प्रॉब्लम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, तो आंसर मैंने इसमें भी बताया था आपका, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में ये जो निकाला था हमने, ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में, या इसको केल्विन भी बोल सकते थे हम लोग, ठीक है, ये डेटा डिग्री सेंटीग्रेड में या केल्विन में दोनों में बोलते थे। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछता था तो 100 से ज्यादा आता, थोड़ा सा वाटर है ना, तो वाटर का एलिवेशन होने का मतलब 100 से थोड़ा ज्यादा, और केल्विन में पूछेगा तो 373 से थोड़ा ज्यादा। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को अगर देखो तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो जीरो होता है, तो आंसर जीरो से थोड़ा सा कम आएगा, तो माइनस में आएगा, और केल्विन में अगर करोगे तो 273 से थोड़ी सी वैल्यू क्या आएगी, कम, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया किस तरीके से करना है, सेम उसी फॉर्मूले से जाना है, उसी अप्रोच को लगाना है, फॉर्मूले सिमिलर हैं, कोई भी डिफरेंस होने वाला नहीं है, आपको बस क्या निकालने आना चाहिए, मोलालिटी निकालने आना चाहिए बस, बाकी कुछ करना इसमें नहीं होता, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एक दो प्रॉब्लम और ले लेता हूँ मैं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को स्टॉप करेंगे वहीं पे, नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ। चलो तो आगे और प्रॉब्लम लेता हूँ मैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, है ना। वन टफ फैक्टर को यूज करता हुआ एक प्रॉब्लम बनाता हूँ मैं आपको, किस तरीके से यूज करता हुआ आ सकता है, जैसे दे रहा हमें कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय, ऑब्टेंड बाय डिजॉल्विंग, ऑब्टेंड बाय डिजॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ, 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4, है ना। देखो सॉल्ट आ गया Na2SO4, तो अब ये डिसोसिएट होगा ना, दो सोडियम के आयन एक सल्फेट, मतलब तीन आयन देने वाला है, लेकिन तीन आयन कब देगा, जब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो 100%। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको दे देता हूं, हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75% इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो कर सकते हैं आराम से बेटा, देखो क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका निकालना है, सॉल्यूशन का, मतलब टीएफ निकालना है हमें, ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग दिस ग्राम ऑफ Na2SO4, मतलब दिस इज द
डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट हो गया अपने पास, वेट ऑफ सोल्यूट मालूम हो गया हमें, ठीक है। हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ये किसकी वैल्यू दे दी, अल्फा 75% लिखते हैं, अल्फा की वैल्यू कितना लिख लो 0.75, और 0.75 लिखने की बजाय इसको 3/4 लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहता है, न्यूमेरिकली सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा, ठीक है आपको। और किसमें डाला जा रहा है, 200 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब दिस इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 200 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ये डब्ल्यू ए हो गया। तो सब देखो डेटा गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जैसे पिछला प्रॉब्लम था सेम वही प्रॉब्लम है, कुछ नई टेक्निक इसमें करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन टफ फैक्टर आई की जरूरत पड़ जाएगी अब, क्योंकि हमें Na2SO4 दिया है। तो मैं यहाँ पे पहले वन टफ फैक्टर ही निकाल लेता हूँ, चूंकि पिछले में ग्लूकोज यूरिया ऐसा कुछ दिया हो तो उनको लिए आई नहीं निकालना है, लेकिन इसका आई क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आई के लिए क्या लिखोगे, फॉर्मूला बताया था मैंने, 1 + n-1 × α, तो 1 + n की जगह पे कितना रखोगे Na2SO4 के लिए, तो Na2SO4 बेटा कैसे टूटेगा, कैसे टूटने वाला है, 2Na+ SO4 के ऊपर 2-, तो ये कितने आयन में टूटेगा, 2 सोडियम आयन और 1 सल्फेट आयन, तो n की जगह पे कितना आएगा 3-1 × α की वैल्यू कितनी है 3/4। ये समझ रहे हो क्या अल्फा कैसे निकाल रहे हैं, हाँ तो देखो बेटा, तो Na2SO4 कितने आयन देगा, 2 सोडियम आयन देगा और 1 सल्फेट आयन देगा, तो कितने आयन टूटेंगे 3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी Na2SO4 के लिए 3, तो 1 + 3-1 × α की जगह पे कितना रखोगे 3/4, तो यहाँ से सॉल्व कर लो इसे, हो जाएगा ना 1 + 2 × 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 3/2, तो डेट विल बी 5/2, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। तो जब सॉल्ट देना बेटा तो सबसे पहले आई निकाल लिया करो सॉल्ट का, और चूंकि अल्फा नहीं गिवन रहेगा तो अल्फा हमेशा 1 मान लेना है ना, तब सॉल्ट का आई आराम से निकल जाया करेगा। अब बस क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम, बस ये फॉर्मूला लगा दो क्वेश्चन सॉल्व। आई की जगह पे कितना रखोगे 5/2 इंटू केएफ की जगह पे कितना रखोगे, देखो इस क्वेश्चन में मैंने केएफ आपको दिया नहीं है, जनरली प्रॉब्लम में हमेशा केएफ क्या रहेगा गिवन रहेगा, तो केएफ की वैल्यू मैंने अभी बता दी थी वाटर के लिए कितना 1.86 केल्विन kg/mol, तो ये हमेशा प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं आपको, क्योंकि मैंने बता दिया था वाटर का केएफ कितना लेना है 1.86 इंटू मोलालिटी की जगह पे कितना लोगे, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर देखो तो कितना है 28.4, तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, Na2SO4 का मोलर मास निकालो तो Na2SO4 का मोलर मास आपका 142 आएगा, निकाल लोगे ना 22 + 32 + 16 × 4 जा कर लेना, तो ये निकल के आ जाएगा डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, तो 200 ग्राम है तो उसको 1000 से क्या कर दो डिवाइड कर लो, तो ये देखो ये जो है 1/5 आ रहा है, ये सॉल्व करेंगे तो 1/5, और इसको भी सॉल्व करो तो ये भी देखो 1/5 ही आएगा, 28.4 / 142 करोगे तो 1/5 ही आएगा, इसका 5 times सही है, इसका ये 5 times था, तो ये देखो ये कट के तो 1 हो जाएगा, तो सीधा ये आपके पास बचेगा, तो ये कितना आएगा डिवाइड करेंगे, अभी हम लोगों ने पिछले में किया था तो 0.93 × 5 आया, और 0.93 × 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 4.65 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस देखो सेम वही प्रॉब्लम बन गया, इसमें आई की वैल्यू का बस रोल आ गया थोड़ा सा, सेम प्रॉब्लम है, कुछ डिफरेंस नहीं कराया मैंने आपको। तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या आपको मिलेगा, डेल्टा टी एफ हमें तो क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ना, तो डेल्टा टी एफ इजिकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, T0F - TF, तो यहाँ से टी एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इजिकल टू क्या आएगा डेल्टा, नहीं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इजिकल टू क्या जाएगा T0F - Δ TF, और T0F की वैल्यू क्या होगी, तो चूंकि वाटर ही सॉल्वेंट है ना, वाटर में डाला जा रहा है तो वाटर का हमें T0F भी मालूम होता है, वाटर का T0F कितना होता है 0 °C या 273 K, ठीक है, तो यहाँ पे 0 रख दो माइनस, ठीक है, और डेल्टा TF कितना रख दो 4.65, तो आंसर कितना आएगा -4.65 °C। बस ये क्वेश्चन मुझे वन टफ फैक्टर का रूल बताना था कि अगर कभी आ जाए तो कैसे करोगे, और इसको अगर केल्विन में कोई निकालना चाहेगा तो कितना रख देगा, इसकी जगह पे 273 रख देगा -4.65, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 268.35 K। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, बस क्या करना है आई निकालना है, आई का एक रोल प्ले हो गया और कुछ बाकी इसमें करने वाला नहीं है।
और एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हर तरीके के प्रॉब्लम ज़्यादातर देखोगे न्यूमेरिकल्स उस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं ले लेता हूँ उसे। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया ना बेटा कैसे करना है। नेक्स्ट पार्ट में जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ आज नहीं लेता हूँ, कल लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम उसमें लगेगा। तो आज का लेक्चर मैं यही स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं अगली क्लास में ले लूँगा, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में, अगला प्रॉब्लम भी देखेंगे किस तरीके से करना है, एक और प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट जो है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा कि क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या उसकी डेफिनेशन है किस तरीके से। तो आज का लेक्चर मैं यही स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।